हेलो गाइस, आज हम आपको बताएंगे जो बिहार का प्रसिद्ध पर्व है छठ पूजा, ये कैसे की जाती है और ये छठ पूजा क्यों मनाई जाती है। छठ पूजा मनाने का पर्पज यही है, अगर किसी को कोई भी बीमारी है या किसी घर में कोई लड़का नहीं होता है किसी घर में, तो ये पूजा करने से उसके सारे मनोकामना पूरी हो जाती है। छठ पूजा कैसे मनाई जाती है, ये दिवाली के तीसरे दिन जो पर्व रखते हैं अपने घर में पूरा साफ सफाई करते हैं, सब लोग नहा धो के नए कपड़े पहन के और ये अपने घर की पूरी सफाई करते हैं और घर में उस दिन चावल और घिया की सब्जी जहाँ चने की दाल बनती है। उसके बाद चूल्हा पूजन होता है, जो औरत व्रत रखती है सबसे पहले वो खाना खाएगी, उसके बाद पूरा परिवार खाना खाता है। और दिवाली के चौथे दिन घर की फिर पूरी साफ सफाई, जिसने व्रत रखा होता है वो पूरा दिन भूखा रहती है और शाम को 7 बजे के बाद वो अकेले कमरे में मिट्टी के जो चूल्हा होता है उसके ऊपर पीतल के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में खीर बनाएगी। खीर बनाने के बाद वो सबसे पहले छठ मैया को भोग लगाएगी और उसको दूध का और जल का अर्घ देगी। उसके बाद सारा परिवार वहाँ मत्था टेकता है छठ मैया को, और जिसने व्रत रखा होता है सबसे पहले वो खीर खाएगी, उसके बाद पूरा परिवार खीर खाता है। खीर जो खानी है मिट्टी के ढक्कन के ऊपर खाते हैं या केले के पत्ते के ऊपर रख के खाते हैं। तो दिवाली के जो 5वें दिन घर में पूरी साफ सफाई और मिठाइयाँ बनती है, हर तरह की प्रकार की मिठाई बनती है, जो भी फल फ्रूट आते हैं पूरे घर की साफ सफाई रहती है। जिसने व्रत रखा होता है वो उस दिन कोई भी पानी खाना कुछ नहीं खाएगी, यानी कि निर्जल व्रत रखती है पूरा दिन वो, और शाम को वो सूरज जब डूबता है सारा सामान वो टोकरे में भर के घाट पे ले जाते हैं और डूबते हुए सूरज को अपने छज में जो भी मिठाइयाँ वगैरह है फल फ्रूट है वो रख के अगरबत्ती का धूप जलाकर डूबते सूरज को अर्घ देते हैं। और जिसने व्रत रखा होता है फिर वो वापस अपने घर में आ जाते हैं, उस दिन वो कुछ भी खाती पीती नहीं है। और दिवाली के 6वें दिन जब सूरज निकलता है जिसने व्रत रखा होता है वो सारा जन के परिवार भी जिसने व्रत रखा होता है वो सारा सामान घाट पे लेकर जाएंगे, और जो जब सूरज निकलेगा पानी में खड़े होकर उगते हुए सूरज को वो अर्घ देगी, फिर वो अपने घर में वापस आ जाएगी, आके फिर वो अपना भोजन करेगी, फिर सारा परिवार भी भोजन करता है। जो जे छठ पूजा है इसकी बहुत ही मानता है शहरपन के, जो इसकी बहुत ही मानता है और जो बिहार का प्रसिद्ध पर्व है, इसमें हर तरह की जो मनोकामना है पूरी होती है। ये जो पर्व है बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है बिहार के अंदर। अभी हम जहाँ देख रहे हैं लोग काफ़ी घूम रहे हैं शहरपन के अंदर के भी अंदर में भी जहाँ भी पर्व मनाया जाता है कोई लोग घूम रहे हैं जहाँ पे या कोसी है वहाँ पे, तो हम इन लोगों से भी बात करेंगे, देखते हैं इनका क्या विचार है छठ मैया के बारे में, तभी हम इनसे भी बातें भी करते हैं। ये कोसी है यहाँ पे बनी हुई है, ये भीमनगर और शारपर का है, जहाँ भी बहुत धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है शारपर के अंदर भी। ये घाट है यहाँ पे, यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, अभी उनसे बातें करेंगे, देखते हैं ये क्या कहते हैं छठ मैया के बारे में, इनके अपने अपने सबके विचार हैं। छठ पूजा क्यों मनाई जाती है, कैसे जो छठ पूजा क्यों करते हैं अपना बाल बच्चे के लिए, अपना लिए परिवार के लिए करते हैं। उससे क्या होता है, हमारे को सुख शांति मिलता है छठ पूजा करने से। हाँ जी। इससे क्या 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 करना पड़ता है छठ पूजा में, बहुत विधि है, विधि को वर्णन है इसमें। हाँ जी मनोज, छठ पूजा क्यों मनाई जाती है भाई। हिंदू धर्म में सूर्य पूजा होता है, सूर्य भगवान की पूजा किया जाता है, अपने आत्मा को शांति मिले, सुख शांति मिले, माना हुआ मिलता है। अखंड पूजा होता है, 48 घंटा बगैर अन्न पानी कराना है, इसलिए इस चीज़ को छठ पूजा मना लेते हैं। सब लोगों के अपने अपने विचार है छठ मैया के लिए, पर्व है आपका, अब इनसे पूछते हैं कि क्या करते हैं भाई साहब, क्यों मनाया जाता है भाई इसको। मनाया जाता है इसलिए कि जो भी हम अपना मनोकामना होता है वो पूरा हो जाता है, और किसी भी आदमी छठ पूजा करते हैं। जहाँ पे कोई भाई साहब खड़े हैं उनसे बात करते हैं छठ मैया के बारे में पूछते हैं। छठ पूजा का सबसे बड़ा विशेष ये है कि आपके शरीर में कोई भी तरह का दाग हो, कोई तरह का कुष्ठ रोग हो,
चमड़ी का रोग हो तो छठ माता को अगर हम बोलते हैं दो चार साल पानी में खड़ा होते हैं रख देते हैं तो दूर हो जाता है। उसके बाद जो भी कोई चीज़ के लिए हम मनोकामना करते हैं ये चीज़ पूरा हो जाता है तो उसके बदले में छठ माता की पूजा करते हैं, कहा हुआ बात पूरा हो जाता है। किसी भी तरह का दाग धब्बा शरीर में चमड़ी का रोग है अगर आप 5 साल 7 साल छठ माता की पूजा करो जल में पानी में खड़ा हो। किसी को बच्चा नहीं है तो वो बोलता है कि छठ माता में लड़का हो जाएगा तो हम छठ पूजा करेंगे तो उसको पूरा हो जाता है। ये छठ पूजा है बिहार का प्रसिद्ध त्यौहार है, इसमें सबकी मनोकामना पूरी होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय छठ मैया, जय छठ मैया, जय छठ मैया। छठ मैया सबकी मनोकामना पूरी करनी है, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं सबकी मनोकामना पूरी करनी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, जो जो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करेगा छठ भैया उसकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। जय छठ मैया, जय छठ मैया।